एक नहीं, चार नहीं, नौ नहीं, बल्कि हजारों एफआईआर मुफ्ती सलमान के नाम दर्ज करवा लो, लेकिन वही होगा जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी होगी, जो रब की रजा होगी। अल्लाह अपने नेक बंदों को कुछ वक्तों के लिए मुसीबत में डालता है आजमाइश के तौर पर, लेकिन ये मत भूलना कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके नाम उसे रिसालत की पहरेदारी की है, नामों से रिसालत की हिफाजत की है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर अभी कई एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, लेकिन उनमें से दो जगहों पे जमानत मिल गई है। गुजरात के जूनागढ़ में एफआईआर दर्ज हुआ था, उसमें मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जमानत मिल गई। उसके बाद कच्छ में एफआईआर दर्ज हुआ, फिर वहाँ भी अल्लाह के फजल करम से मुफ्ती साहब को जमानत मिल गई। उसके बाद मुड़ासा में मुफ्ती सलमान अजहरी के नाम एफआईआर दर्ज हुआ, और इन दोनों जगह से जब जमानत मिली जूनागढ़ और कच्छ से, उसके बाद मुफ्ती साहब को मुड़ासा की तरफ ले गए पुलिस वाले, और वहाँ की अदालत ने 5 दिन की रिमांड पे मुफ्ती सलमान अजहरी को रखा गया है। अदालत की तरफ से जो 5 दिन की रिमांड पे पुलिस वाले ने मुफ्ती सलमान को रखा है, जब ये तारीख ख़त्म हो जाएगी फिर मुफ्ती सलमान अजहरी को पेश होना होगा अदालत में, और मुझे रब की ज़ात पर मुकम्मल यकीन है, भरोसा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को वहाँ से भी ज़मानत मिलेगी। चूँकि एक ही केस है, सारे मामले में एक ही बयान को लेकर के कुछ लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाया है, ठीक है। तो जब गुजरात के जूनागढ़ में ज़मानत मिल गई और कच्छ की अदालत से जब ज़मानत मिल गई, तो यहाँ भी ज़मानत मिल जाएगी। एक और एफआईआर दर्ज हुआ मुफ्ती सलमान के नाम से, वो मुंबई से है। मुंबई में भी एफआईआर मुफ्ती सलमान के नाम से दर्ज हुआ है। मुफ्ती सलमान अजहरी को जैसे जैसे कामयाबी मिलती जा रही है, वैसे ही मुफ्ती सलमान अजहरी के नाम पर एफआईआर भी बढ़ता ही चला जा रहा है। लेकिन रब की ज़ात पर हमें यकीन है कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज किसी और का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा, है ना। तो मुफ्ती सलमान अजहरी के नाम अभी 4 FIR दर्ज हुआ है। एक और न्यूज़ के मुताबिक 9 FIR दर्ज हुआ है। लेकिन आप लोगों से भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप बिल्कुल शांत ना बैठ जाएं। मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए जिस तरीके से आपने शुरू में दुआ की, जिस तरीके से उनके लिए अकीदत और मोहब्बत आप अपने दिल में शुरू में रखें, उसी तरह से जब तक मुफ्ती सलमान अजहरी सारी जगहों से जमानत उनको नहीं मिल जाती, तब तक आप उनके हक में दुआ करें। जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाएं तो मुफ्ती सलमान अजहरी को दुआ में ज़रूर शामिल करें कि या अल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी को बाइज्जत हर जगह से रिहाई अता कर, है ना। गुजारिश है कि इस क्लिप को दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।